फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू और साबूदाना के कुरकुरे, जो कि छोटे बच्चों को खाने में बहुत ही टेस्टी लगे हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर से पैकेट मिलना मुश्किल है और बच्चों को बाहर के पैकेट्स बहुत पसंद है, तो चलिए हम घर पे ही बनाते हैं उनके लिए कुरकुरे। तो हमने इसके लिए लिया है 4 से 5 मीडियम आलू और एक कटोरी सूखा हुआ साबूदाना। इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और आलू को हम घिस लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, देखिए हमने आलू को घिस लिया है और साबूदानों को पीस लिया है। तो चलिए हम एक दूसरे बाउल में ये दोनों चीजें मैच कर लेते हैं। ये हमने सारा आलू डाल लिया इस बाउल में, ये सारा साबूदाना भी हमने डाल दिया। अब हम इसमें मसाले जो हमने डालने हैं वो ऐड कर लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल लेते हैं, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। एक चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं, 1/2 चम्मच मिर्ची डाल लें। और दोस्तों, मैं 1 चम्मच इसमें रवा भी ले लिया, इससे ये ज्यादा कुरकुरा हो जाएगा। और थोड़ा सा 1/2 चम्मच अरारोट डाल लेते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लें। दोस्तों, ये सारी चीजें हमने अच्छे से मिला ली हैं। हमारा ये उबला हुआ आलू था और ये बहुत महीन साबूदाना कर दिया था, ताकि इसमें फूड की टाइप की ना रहे। इसको अच्छे से मिला लें। और दोस्तों, हमने इसमें पुदीना की चटनी भी मिला ली है 1 चम्मच, जिससे इसका पुदीने का फ्लेवर आ जाएगा। 1/2 चम्मच डाल लेते हैं। और आपको अगर मिर्ची मसाला और चाहिए तो आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार मिला सकते हैं। और इसको फिर अच्छे से मिला लें। देखिए दोस्तों, हमने ये सब अच्छे से मिला लिया। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच मैदा मिला लें, ताकि ये फ्राई करते समय हमारा अलग अलग नहीं भागे। तो चलिए हम इसमें 3 से 4 चम्मच मैदा डाल लेते हैं। ये हमने लगभग 3 चम्मच डाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से इसको मिला लिया है। इसमें हम 2-3 चम्मच पानी भी डाल दें, ताकि अच्छे से सब मिक्स हो जाए। कि देखिए, ये सॉफ्ट आटे की तरह हमने मार लिया है। अब ये हमारा फ्राई करने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, हम इसको कोन से बनाएंगे। देखिए, कोन हमने घर पे ही बना लिया है। आप चाहें, अगर आपके पास बड़ा कचरी बनाने वाला पॉट हो तो उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो हम ये कोन से ही बनाएंगे। तो चलिए फिर हम इसको काट लेते हैं और इसमें भर लेते हैं। ये देखिए, हमने कोन में इसको भर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में शेप दे देते हैं। ये देखिए, ऐसे दे देंगे और बीच से इसको तोड़ देंगे। ये देखिए, ऐसे लंबे लंबे हम जितने बड़े या जिस आकार के बनाना चाहें वैसे बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने 1/2 कुरकुरे तलने के लिए तैयार कर लिए हैं। इनको हम फिर से बना लेंगे बाद में। तब तक हम ये इतने कुरकुरे तल लेते हैं। हम इसके लिए गैस पर तेल रख देते हैं पैन में डाल के। ये देखिए, हमने तेल रख दिया है। अब ये गर्म हो जाए, उसके बाद इसमें हम कुरकुरे डालकर तलेंगे। देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम कुरकुरे डाल देते हैं। ये सारे हम डाल देंगे। और दोस्तों, इसको मीडियम आंच पे ही हम धीरे धीरे पकाएंगे, ताकि ये जले नहीं, आराम से अंदर से अच्छे से पक जाए। देखिए, कुरकुरे हल्के से लाल होने लगे हैं। ये और ज्यादा लाल हो जाए, एकदम सुनहरा कलर हो जाए लाल, तब इसको निकालिएगा। कुरकुरे अब एकदम लाल हो गए, इनको हम फिर से निकाल लेंगे। दोस्तों, एकदम लाल भी इनको निकालिएगा, नहीं ये कुरकुरे नहीं होंगे। ये देखिए, हमने कुरकुरे सारे प्लेट को निकाल लिए हैं। हम जो हमारे बचे हुए हैं उनको हम और तेल में डाल देते हैं। तो देखिए, हमारे कुरकुरे खाने के लिए तैयार हैं। ये ठंडे हो गए हैं दोस्तों, इनको गर्म नहीं, ठंडे ही खाइएगा, तभी ये ज्यादा कुरकुरे होंगे।
और इनको पतला बनाएगा, मोटा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं ये पूरी के जैसा हो जाएगा। ठंडा होकर मीडियम आंच पर ही पकाइएगा और घर पर बनाइए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स।